सर सबसे पहले तो मैं ये बात जनता को भी बताना चाहूंगा कि जब हमने स्ट्रगल बनाई थी उस वक्त हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसका अध्याय दो या अध्याय तीन या इस तरीके से हम उसकी एक सीरीज कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो हमने एक वीडियो बनाई थी मोटिवेशन के पर्पज से बनाई थी और लोगों ने उसको इतना प्यार दिया एंड जो राजीव नारायण का कैरेक्टर था उसको इतना सपोर्ट किया लोगों ने कि फिर हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना उस कैरेक्टर को लेके हम एक सीरीज बनाए। तो वहां से इस चीज की स्टार्ट हुई सीरीज की। जब युवराज ने मुझे स्क्रिप्ट दी थी तब मैं बहुत डर गई थी कि मुझसे ये होगा या नहीं होगा, बट जब मैं सेट पे पहुंची वहां पे सब लोग बहुत सपोर्टिव थे। करीब डेढ़ दो महीने पहले की बात है, युवराज का मेरे पास कॉल आया था और उसने मुझे बोला कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट तैयार है। तो मैंने ठीक है मैं आता हूँ फिर अपन अच्छे से सुनते हैं। फिर मैं उसके पास गया और उसने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई। तो स्क्रिप्ट का नाम था स्ट्रगल टू। तो मैंने पूछा फिर कि इसमें मेरा पार्ट कौन सा, मेरा रोल क्या है इसमें। तो उसने मुझे बोला तेरा रोल है राजवीर का। राजवीर का कैरेक्टर प्ले किया है हर्ष ने, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। सो हर्ष को मैं, मुझे याद है हर्ष और मैं ऐसे बैठे थे तो हर्ष ने पूछा था मुझसे कि अभी क्या आगे कर रहे हो पाजी, क्या सोचा है स्क्रिप्ट के लिए। तो मैंने उसको बताई थी यार ऐसी ऐसी कहानी लिख रहा हूँ मैं, जो पूरा एक उसको मैंने यूनिवर्स ही बताया था कि स्ट्रगल यूनिवर्स करके एक मेरी एक पूरी सीरीज है जिसमें आगे आगे आने वाले पार्ट है और बहुत सारी वीडियोस भी आने वाली है। तो हर्ष को वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। इस बार स्ट्रगल में कुछ नए कैरेक्टरों की एंट्री हुई है और एक कैरेक्टर किया राजवीर का, जो कि हर्ष ने प्ले किया है और पहली बार स्ट्रगल में इसने काम किया है और बहुत ही अच्छा काम किया है। कैमियो था और उस कैमियो में इसने पूरी मूवी में जान डाल दी है। और जो राजवीर का कैरेक्टर है हर्ष भैया, जिन्होंने स्ट्रगल में डेब्यूट किया है, इससे पहले उन्होंने और भी दूसरी जो हमारी शॉर्ट फिल्म्स होती है उन्होंने उसमें काम किया है, पर जो इसमें उनका रोल था वो अलग ही था, हटके था। मतलब जो एक सिंसियरिटी रहती है वो उन्होंने उसमें एक्ट में दिखाई है अलग से। जब स्ट्रगल टू की स्क्रिप्ट पढ़ी हम लोगों ने, तब उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद थोड़ा सा डर गए थे कि वैसा हम प्रेजेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज हर्ष ने मुझे ये बोला था कि कहानी तो बड़ी प्यारी है बस इसको अपन उस तरीके से अगर प्रस्तुत नहीं कर पाए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो बड़ा चैलेंज था, पर मुझे खुशी है कि अध्याय दो जब लोगों ने देखा तो उनको पसंद आया। जिस तरीके से भावेश ने दोनों कैरेक्टरों को प्ले किया है वो देखने लायक है, काबिले तारीफ है, क्योंकि एक एक्टर के लिए एक साथ दो अलग अलग एज के कैरेक्टर पे प्ले करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, जो कि भावेश ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया और बहुत अच्छा लगा। भावेश से बहुत कुछ सीखने को भी मिला, क्योंकि भावेश जब भी काम करता है तो एक अलग ही लेवल का काम करता है। भावेश भैया और मेरा रिलेशन, मैं बड़े भाई छोटे भाई जैसा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब ये मैंने कहानी उनको बताई थी भावेश भैया को कि स्ट्रगल दो मैं बनाने जा रहा हूँ, तो भावेश भैया को पहले ये लगा था कि मोटिवेशनल वापिस होगा, वापिस राजीव नारायण आएंगे एंड मोटिवेट करेंगे लोगों को। बट जब मैंने उनको कहानी सुनाई तो वो शॉक हो गए कि क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग थी जो हमने पहले बनाई थी। ये बिल्कुल एक सस्पेंस थ्रिलर वाली एक जो सीरीज कहते हैं वो थी। तो सबसे शानदार रोल लगा मुझे राजीव नारायण का। सो स्ट्रगल वन में जो किरदार थे वही किरदार को हमको स्ट्रगल टू में जिंदा करना था। जैसे भावेश भैया का जो रोल था, उनका जो बुजुर्ग वाला रोल था, उसी को वैसे की वैसे हमको स्ट्रगल टू में प्रेजेंट करना था। वो सबसे डिफिकल्ट काम था हमारा। दोस्तों स्ट्रगल की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है इसमें जो स्ट्रगल है वो एक समुद्र है। इसमें से एक लोटा पानी निकाल करके हमने आप लोगों को दे दिया है, सारा समुद्र भी बाकी है। यदि उसे आप देखना चाहते हो तो इसे सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जब युवराज भैया ने मुझे स्ट्रगल के बारे में बताया था तो ये स्ट्रगल अध्याय दो है, ये तो फिर भी बहुत छोटा पार्ट है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आगे कितने पार्ट आने वाले, क्या क्या होने वाला है। तो जो स्ट्रगल अध्याय दो जो रिसेंटली अभी रिलीज हुआ है, आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। तो वो जो युवराज भैया ने हमको पूरी कहानी नरेट की थी उसका एक छोटा सा हिस्सा है। अध्याय दो को देखने के बाद आप आगे सोच सकते हो कि कहानी किस लेवल पे जाने वाली है। तो हम लोगों के पास अध्याय तीन की स्क्रिप्ट आ चुकी है जो कि आप लोगों को बहुत जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। अभी आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, तो इसीलिए पहले तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी तो देखने को मिलेगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आपने अध्याय एक अध्याय दो को अपना प्यार दिया, उसी तरह आप अध्याय तीन को भी अपना प्यार देंगे। और जिन लोगों ने स्ट्रगल अध्याय दो नहीं देखा है कृपया जाए और देखे। क्या आप मिस कर रहे हो?
जाओ जाओ फटाफट जाओ, बहुत प्यारी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि हम लोगों की टीम ने इतनी मेहनत करी है तो यार प्यारी तो लगेगी। और आप लोग हमसे प्यार करते हो इसका मतलब आप जरूर देखोगे, और जो नहीं देख रहा है ना समझ जाना मेरी तो से दुश्मनी है। सो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि स्ट्रगल अध्याय तो जो आप लोगों के पास में अभी आई है, आप लोगों ने देखी, इतना पसंद किया है, उसमें सिर्फ अकेले मेरी मेहनत नहीं थी, इसमें मेरी पूरी क्रिएटिव टीम की मेहनत थी, पलक भालसे की मेहनत थी, आदर्श परमार की मेहनत थी, सोम कुशवा की मेहनत थी, बिहाइंड द कैमरा जितने भी हम लोग थे उन सबके बहुत महीनों की मेहनत थी। ये जो आप लोगों ने अभी कुछ 8 मिनट 9 मिनट में आप लोगों ने देखी है वो हमारी महीनों की मेहनत थी जिसका फल ये हमें अध्याय 2 के रूप में मिला है। तो अध्याय 2 को आपने जितना ही प्यार दिया, जितना सपोर्ट दिया, ऐसे ही देते रहे तो हम जल्द से जल्द अध्याय 3 लेके आएंगे। तो आप ऐसे ही हमको प्यार देते रहिए, हमारे स्ट्रगल 2 को प्यार देते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जितना शेयर करेंगे ना उतनी जल्दी स्ट्रगल 3 आएगी। बहुत सारा थैंक यू इतना सारा सुनने के लिए, और मिलते हैं आप लोगों से अध्याय 3 में।